रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ आलू वाले परांठे। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो अब मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड किया है और एक और चम्मच ऐड किया है नमक। तो अब इसमें मैं साबुत सूखा धनिया ऐड करूँगी, तो ये भी मैं एक चम्मच ऐड करूंगी इसमें। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने साबुत सूखा धनिया एक चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूंगी, ये भी मैंने एक चम्मच भर के ऐड किया है। और अब इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, ये भी एक चम्मच भर के। छोटे वाला चम्मच है, मेरे पास बड़ा नहीं है, छोटे वाला है। तो थोड़ा सा स्पाइसी मैं बनाऊंगी परांठे। तो क्या है कि ये मैंने दो चम्मच ऐड किए हैं सुरख मिर्च के। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूंगी, ये मैंने दो कटिंग कर ली थी। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं, और इसमें मैंने एक अदद प्याज भी ऐड कर दिया है, छोटा छोटे साइज़ में। ये देख सकते हैं इतना साइज़ था प्याज का, तो जो मैंने इसमें कटिंग करके ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं मिक्स किए हैं, बस हल्के हल्के हाथ के साथ मैंने मिक्स कर दी हैं। और अब मैं परांठे बनाने स्टार्ट करूंगी। मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।